यह शानदार है। यह जब समुद्र में आपको लेकर चलता है तो आप जानवर की पूरी शक्ति को महसूस करते हैं। आप समुद्र को देखते हैं तो हर चीज बड़ी शांत दिखती है। बेल्जियम के शहर ओस्ट डेनकर्क का तट धरती पर अकेली ऐसी जगह है जहां आज भी झींगा मछली घोड़े पर बैठकर पकड़ी जाती है। 500 साल से यहां ऐसा हो रहा है। 37 साल की नील बेकेट और उनका घोड़ा एक्सेल सवेरा होते ही काम पर लग जाते हैं। वे आधिकारिक तौर पर दुनिया की पहली झींगा पकड़ने वाली महिला घुड़सवार हैं। 2013 में यूनेस्को ने अपनी मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सदियों पुरानी इस परंपरा को जोड़ा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि इसे पुरुष और महिलाएं दोनों करें। यूनेस्को की ओर से दी गई यह पहचान ही वजह बनी कि मुझे एक घुड़सवार झींगा पकड़ने वाली बनने दिया गया। इससे पहले इस काम को केवल पुरुष करते थे। मुझे खुद को साबित करना पड़ा, दो बार साबित करना पड़ा और मैं सफल रही, और अब उन्होंने मुझे पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। नील बेकर्ट को 2 साल की इंटर्नशिप और कई टेस्ट पास करने पड़े। 3 बच्चों की माँ नील जीविका के लिए एक नर्सिंग होम में काम करती हैं। लेकिन खाली समय में वे ज्वार भाटे से 2 घंटे पहले झींगा पकड़ने तट पर पहुंच जाती हैं। देखते हैं, किसी दिन तो हमारी पकड़ में कुछ नहीं आता और किसी दिन 10 किलो मिल जाता है। करीब आधे घंटे बाद नील बेकर्ट और उनकी साथी कैथरीन टेरियन ने पहली बार जाल खींचा। ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन समुद्र तट पर दर्शक जुट गए हैं। सभी देखना चाहते हैं कि इन्होंने क्या पकड़ा। देखिए, ये जिंदा ताजे झींगे हैं। फिलहाल इस कस्बे के 17 लोग इस परंपरा को जिंदा रखे हैं। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी, ठीक पहले की तरह। बहुत समय पहले जब मछली पकड़ने के काम में छोटे गधों का इस्तेमाल भी होता था, तब ज्यादातर महिलाएं ही उनकी सवारी करती थीं। आदमी समुद्र में नावों से जाते थे और इस तरह महिलाएं बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त कमाई कर लेती थीं। अस्तबल में कैथरीन टेरियन पकड़े हुए झींगों को बेचने के लिए छांट रही हैं। अब घोड़ों की देखरेख का समय है। झींगा पकड़ना घोड़ों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण का एक तरीका भी है। लोगों में बदलाव आया है। वे पुरानी परंपराओं को फिर से जानना चाहते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। ऐसे भी हैं जो आधुनिक होना चाहते हैं, अच्छे फोन, अच्छे कंप्यूटर, बढ़िया वेबसाइट और सब कुछ डिजिटल चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं, ओह, हम तो उस पुरानी परंपरा को अनुभव करना चाहते हैं। और इसलिए घुड़सवारी करते हुए झींगा पकड़ने का तरीका सदियों पुराना होने के बावजूद आज भी बहुत टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत है, और ये वापसी कर रहा है। और इसका श्रेय जाता है मछली पकड़ने वाली पहली 2 घुड़सवार महिलाओं को।